साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान, समाज सुधार कमांडो टीम मेवात से। साथियों आप देख रहे हैं, थोड़ा दिखाएं कैमरामैन, ये साकिर भाई है जिसकी आप पीछे आपने देखा था मेवात के अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसने रो रो के मेवात वासियों से, दानवीरों से एक जिंदगी की भीख मांगी थी। वाक्य में ही मेवात के लोगों ने उस चीज को निभाया, करीबन 1.25 लाख रूपये की मदद डाली। आप दानवीरों का सभी का शुक्रिया। सबसे पहले कमांडो हिदायत खान सभी दानवीरों का शुक्रिया अदा करता है, और उसके बाद कमांडो हिदायत खान मिशन हॉस्पिटल नूह, जो हड्डी का स्पेशल हॉस्पिटल है, मैं उसके डॉक्टर कमरुद्दीन कमर साहब और उनके पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और पूरी कमांडो टीम और पूरे जितने सोशल जो मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, चाहे कोई यूट्यूबर भाई है मेरा, चाहे कोई भी फेसबुक जो फ्रेंड रहा है, जिन जिन लोगों ने उस चीज को शेयर किया और आवाम से मदद मांगी और आवाम ने मदद दी, उस मदद से आज साकिर भाई का वो पैर जो 6 महीने से पूरी तरह से जख्मी हो गया था, पूरी तरह 2 जगह से पैर टूटा हुआ था और सड़ने लग गया था, आज 5 घंटे की कड़ी मशक्कत से ऑपरेशन कंप्लीट हो पाया है। साकिर भाई कैसा महसूस कर रहे हो और समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हो, शुक्रिया अदा करना चाहते हो समाज के लोगों से, बताओ। आप बोल के बताए, बिल्कुल साथी ऊपर दिखाए, साथी यहाँ से दिखाए, यहाँ पर शिकंजा लग चुका है, यहाँ से पैर टूटा हुआ था, नीचे से सड़ रहा था हड्डी, साथियों यहां से अलग टूटा हुआ था, यहां ऑलरेडी रॉड डाल दी गई है। और साकिर भाई आप जरूर समाज के लोगों से अब बोले, आप शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सब भाई का, और मेरा ऑपरेशन हो गया भाई। डॉक्टर साहब का कैसा स्टाफ रहा, डॉक्टर साहब का कैसा व्यवहार रहा? बहुत बढ़िया जी। समाज के लोगों को आप अपनी तरफ से कितनी दुआएं दे सकते हैं, जो भी आपका बहुत दुआ मिली जी। कमांडो टीम ने आपके साथ कैसी व्यवहार रही, कमांडो टीम की ड्यूटियां क्या रही, हेल्प करी मेरी समन्वय से सर जी, डॉक्टर साहब ने, कमांडर टीम ने भी, सम्यवाद भाई ने, समन ने मेरी मदद की जी। तो साथियों शुक्रिया अदा करना चाहता है भाई और हम भी, क्योंकि हम समाज को इसलिए बताना चाहते हैं कि इस तरह यदि गरीब यतीम माजूर मजलूमों की मदद के लिए अगर तुम आगे आओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके भला करेगा। मैं बार बार, मेरे पास शब्द नहीं है डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी पेशेंट है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुगिल साहब, ये हेपेटाइटिस बी पेशेंट है। हेपेटाइटिस बी पेशेंट को जल्दी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता ओटी के अंदर, क्योंकि उसके लिए सेफ्टी बहुत ज्यादा चाहिए। साथियों ऊपर से इसके अंदर फंक्शंस जो बहुत ज्यादा, इसके अंदर जो दांत खाद खुलनी चाहिए, इस तरह की बीमारी से भी ज्यादा होता, नीचे जख्म हो रखे इसके जवान के। तो साथियों इस कंडीशन में हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन मिशन हॉस्पिटल का डॉक्टर कमरुद्दीन कमर साहब ने एक्चुअल में दरिया दिली दिखाई और लगातार पिछले 20 दिनों से इसको एडमिट रखा हुआ है और इसका ऑपरेशन आज कर दिया है लगातार 5 घंटे की मशक्कत से। सभी दानवीरों को मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रिया दानवीरों। आगे कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लंबा ऑपरेशन है, सिकंजे का ऑपरेशन है, साथियों डॉक्टर बता सकते हैं इस चीज के बारे में। अभी फिलहाल आप लोगों का एहसान है कि 1.25 लाख रूपये का बजट जो इनके पास बकाया था, हमारे क्या नाम है लड़के का, सोहिल भाई और आमिर भाई और एक फारूक भाई, जो कमेटी गठित की, हम कमेटी के पास जमा है। इंशाल्लाह अगर कोई कमी होगी तो समाज से अपील की जाएगी, नहीं तो मुझे उम्मीद लगता है कि इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी और ये जवान इंशाल्लाह सही सलामत आपके बीच चलकर आएगा। ऐसी दुआएं करें, क्योंकि जख्म ज्यादा है, हड्डी में पस पड़ गई थी, हड्डी में इन्फेक्शन हो गया था, फिर भी दुआओं का तलबगार है, क्योंकि यदि शिकंजे में इसमें इन्फेक्शन बढ़ गया और हड्डी का इन्फेक्शन नहीं घटा तो और दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी अपने कंट्रोल रखें, पैर को रखें, डॉक्टर से कोऑपरेट करें और समाज के लोग जरूर दुआ करें, क्योंकि इसके न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है। साथियों हालात बद से बदतर है इसके, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।